बंदे की ईमान की तकमील का जामन है निकाह और बुराइयों से बचाने वाला है निकाह। इंसान को बहुत सारे मामलात में रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल होता है और उनमें से एक मामला निकाह भी है कि हुजूर की सुन्नत है और आपका हुक्म है। और मेरे नबी ने फरमाया कि मैं बरोज़े क़यामत अपनी उम्मत के ज्यादा होने पर फख्र करूंगा। एक बार और भेज रहे हेलो मेरे दिल के प्रियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग हो गया सबको। ए सीन कुछ ऐसा है कि भाई आ जाए निकाह और मैं उठूँ तकरीबन 1 बजे। तो अभी जाने मुँह धोते हैं, फिर नाश्ता मुझसे करते हैं, फिर निकाह है, निकाह पे जाना है, फिर दिखाता हूँ आपको बाकी आगे सूरत हाल। फटाफट मुँह धो के फ्रेश हो गया हूँ और आपको एक चीज़ बतानी थी कि ये चेक करो, बारिश लगी हुई है और ठंड बढ़ चुकी है और अभी हवा चली। बारिश सुबह से लगी हुई थी, बारिश अभी बंद हो गई, अभी हवा चली सिर्फ। और मेरा नाश्ता भी आ चुका है, लोबिया की दाल, चावल, चाय और ये गोभी पकी बड़ी वाली, बड़ी गोभी मतलब फूल गोभी, और ये पराठे पड़े हैं। तो फटाफट करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं अगली सूरत हाल। गिलास भी गंदा हो गया, सगर के फिर देखते हैं अगली सूरत हाल, ठीक है। तो फाइनली अभी टाइम हो चुका है जाने का निकाह पर, तो मैं फटाफट बस कार्ड निकाल ले दूँ। काठी पहन लिए, अभी चलते हैं नीचे और मस्जिद में सारा इंतजार कर रहे थे। अगर चलते हैं मस्जिद में, बंदे की ईमान की तकमील का जामन है निकाह और बुराइयों से बचाने वाला है निकाह। इंसान को बहुत सारे मामलात में रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल होता है और उनमें से एक मामला निकाह भी है कि हुजूर की सुन्नत है और आपका हुक्म है। और मेरे नबी ने फरमाया कि मैं बरोज़े क़यामत अपनी उम्मत के ज्यादा होने पर फख्र करूंगा। 100 सफ़े होंगी क़यामत वाले दिन सारे लोगों की 100 सफ़े होंगी और हुज़ूर ने फरमाया उनमें से 80 सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। 1,25,000 बाकी अंबिया हैं और 1,25,000 नबियों की 1,25,000 उम्मतें, उन सब की 20 सफ़े होंगी और हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। फरमाया निकाह करो, औलाद हो और औलाद की कसरत हो, ये मेरे नबी की पसंदीदा चीज है। क़यामत के दिन हुज़ूर ने फरमाया मुझे फख्र होगा इस बात पर। तो ये वो सुन्नत है जिसके बारे में हुज़ूर ने बारहा हमें कहा, आसान तरीन निकाह बनाने के लिए, निकाह को आसान बनाया जाए, जितना आसान हो इतना मुआशरे से बुराइयां खत्म होती हैं, मुआशरे में अच्छाइयां आती हैं, इतना लोगों के लिए आसानियां पैदा होती हैं। निकाह को आसान किया जाए जहां तक मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो निकाह को आसान किया जाए। नमाज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, आंखों की ठंडक है नमाज। हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा अमल नमाज पढ़ना। दूसरी चीज फरमाया नेक और साले औरत के साथ निकाह करना, ये मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है, इसलिए हुजूर ने 11 शादियां की। और तीसरी सुन्नत फरमाया खुशबू लगाना, ये मुझे बड़ी पसंद है, खुशबू से हुजूर को बड़ा प्यार है। तो 2 सुन्नतें तो खैर हम लोग वक्तन फ़क्तन पूरी करते हैं, नमाज वाली भी और खुशबू भी लगाते हैं। आज सुन्नत निकाह के लिए सारे लोग जमा हैं। ये गवाही सुनते हैं उसके बाद कल में पढ़ते हैं। जी जनाब, कौन है? हेलो बस्ते गवाही, ठीक है जुबैर खान। अच्छा के उस पे जी कानून, हां ठीक हो गया के असल में खुशी था। एक बार और भेज दे,
खुशी है सारे लोग ईमान की तहजीब में शामिल हो जाओ कलमे पढ़ने के बाद मेरा गुरु शर्ता मुता उस बिल्ला हि मिने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इल्लिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूत अबदन अबदा जो जलाल व इकराम बियद खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तान सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैह من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبه والبدعه والنميمه والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلام تو اقول لا اله الا الله محمد رسول الله امنت بالرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تقدمت الله وبارك عليه निकाह हो चुके हैं अभी उन लोग जा रहे हैं वापस घर पे। आपको सारी तकलीफ मिल जाएगी जितनी वीडियो बनाई है सारी आपको देखना कैसे मज़े का निकाह हुआ। और वैसे यह ना हमारे यहाँ गाँव फौजी हैं तीन चार, अगर फौजी हुई तो फायरिंग होती द्रवणी के बाद फायरिंग की। तो चलो चलते हैं घर पे, देखते हैं कि सूरत हाल अभी श्याम लगा बच्चों में टिकट बना रहा है। शाबाश श्याम, यहाँ पे अभी इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है। श्याम है, ये वाला श्याम का भाई है जी, ये वाला वजात और ये सारे कज़न आपस में, इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है अभी। फाइनली ये लोग फारग होकर फ़ोटो शूट करके आ गए ऊपर। इन लोग यहाँ बैठ के ना गेम लगाएंगे पबजी की, रूम लगाएंगे, रूम पड़ा है हमारे पास क्योंकि आज मुझे रूम मिला, आज हम रूम खेलेंगे। दो तीन वनडे एक सेवनडे। ये देखो बारिश है, कितने प्यारा मौसम आया हुआ है, कैसी बेहतरीन जो है ना सुंदरी साफ़ सुथरी हो गई है। पहले था ना जो धूल मिट्टी थी सारी, जिसकी वजह से सारा ये इधर उधर का माहौल सारा गंदा हुआ था, मिट्टी हिट्टी हुई थी सारी। अभी बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है ना मिट्टी की सारी दरख्तों से धुल गई है और दरख्तों की पूरी शाइनिंग वापस आ चुकी है। ये मानुष है, हो हाँ ये मानुष देखें आप, खूबसूरत मानुष, चिट्टा हो गया वैसे, फेशियल कराया उनके पास ने, चिट्टा हो गया ये। अब उधर पैरों का हाल है, इधर चिट्टे पैर भी चिट्टे हो गए। असी ये फाइनली वहाँ से वापस आ चुके, हम लोग गेम खेल रहे काफ़ी देर बैठे रहे वहाँ पे, और वहाँ से वापस आ के अभी अब तकरीबन हमें 10-11 बजे हैं और इस ब्लॉग को यहाँ पे करता हूँ, एंड नहीं हुआ था मेरा, एंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।